everyone, it's Shripriya, just a regular brown girl in Japan and I'm moving out this week. So I thought I'd show you my house. It's a traditional Japanese house. So come along. On the left side is a traditional Japanese kitchen. This is my gas stove. ये तो काफी normal है. But one thing I really like about it is the grill. यहाँ पे बहुत ही अच्छे toast बनते हैं and roast some vegetables sometimes. यहाँ पे I have my basic spices. मेरे को बस aesthetics का बहुत शौक है तो मैं सबको ऐसे सेम डब्बे लेके आई हूँ. यहाँ पे I do most of my chopping followed by a sink. ये तो काफी normal है. एक cool चीज जापान की ये है कि यू कैन ड्रिंक टैप वाटर. ये हमारा एग्जॉस्ट है, काफी हैंडी रहता है जब प्रेशर कुकर यूज करना होता है क्योंकि जापान में स्मोक अलार्म्स रहते हैं. फॉलोड बाय सम स्टोरेज यूनिट. मैंने ऑलरेडी काफी कुछ खाली कर दिया बिकॉज आई एम मूविंग आउट, बट दिस इज हाउ इट लुक्स. This is the drying mat. यहाँ पे जब मैं अपने सारे बर्तन धोती हूँ तो यहाँ पे सुखाती हूँ. ये हमारा बहुत ही स्पेशल चिली ऑयल है. ये मेरी दोस्त अनीता ने दिया था जो ताइवान से है. This is a native Taiwanese recipe and I absolutely love it. Followed by some more storage under the sink. यहाँ पे आई यूजली कीप ऑल माई टिश्यू. यहाँ पे मेरे सारे अप्लायंसेस है, कैटल है. आजकल मुझे कैफे लाटे बनाने का शौक है तो मैंने मिल्क फ्रॉथर खरीदा है, मिक्सर, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर. ऑन द राइट हमारा जापानीज बाथरूम है. तो हर जापानीज घर में एक बाथटब जरूरी होता है. जापानीज पीपल लव बाथटब्स. वन गुड थिंग अबाउट इट इज कि तुम एक्चुअली शावर बाथटब में खड़े होके ले सकते हो तो फ्लोर गीला नहीं होता है. जैसे ही आप आगे जाते हो आपको टॉयलेट मिलता है. बाथरूम और टॉयलेट सेपरेटेड है इस ट्रेडिशनल जापानीज हाउस में. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एक और चीज़ जो काफ़ी अलग है वो है ये फ्लश सिस्टम. एक्चुअली जब आप फ्लश करते हो तो यहाँ से फ्रेश पानी आता है जिससे यू कैन वॉश योर हैंड्स एंड दैट वाटर गेट्स रिसाइकल्ड एंड यूज्ड फॉर द टॉयलेट इटसेल्फ. अब मेन रूम देख लेते हैं. एक ही रूम है. दिस इज द ट्रेडिशनल जापानीज स्लाइडिंग डोर. ये आपने बहुत सारे एनिमे और सीरीज में देखा होगा. एंटर करते हैं. यहाँ पे मेरी वर्क डेस्क है और चेयर. दिस इज वेयर ऑल द यूट्यूब gets done. This is a lap blanket. ये काफी warm है और जो मेरे को ठंडी लगती है तो मैं इसको ओढ़ के काम करती हूँ. मेरे को आजकल अपने लिए flowers खरीदने का बहुत शौक है तो I usually get fresh flowers once a week. This is actually from Goa. मैंने last year अपने college friends के साथ trip करी थी and we went to this art gallery and I absolutely loved it. ये storage है. This is for all the stationeries and chargers. यहाँ पे मैं अपने सारे documents रखती हूँ. Coming to my one of the most favorite parts of this room, this IKEA mirror. I am in love with it. मैंने अपने पैसे दे के मैंने खरीदा. I didn't buy it second hand because I was so particular about it. पीछे मैंने warm lighting लगाई है इसके. This is where I get ready every single day. ये लाइट्स अभी हमारी खत्म हो गई है बट ये रात को बहुत अच्छी वाइब देता है. आई यूज टू पुट ऑल माई बुक्स हियर बट अभी आई एम मूविंग आउट तो वो भी नहीं है. कमिंग टू द राइट साइड ऑफ द रूम इज माई डबल बेड. ये भी मैंने आइकिया से लिया था. आई एम माई छो प्रॉब्लम. मेरे तीन छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे हैं जो मैंने जीते थे ताइपा स्टेशन से. इसका नाम शेरू है और क्योंकि ये सबसे सुंदर है ये मेरा फेवरेट है. इसका नाम नेहरू है क्योंकि जापानीज में नेहरू वर्ब का मतलब होता है टू स्लीप एंड ही स्लीपिंग. तो हाँ ज़्यादा क्रिएटिविटी लगाई थी हमने. इसका नाम है आई थिंक आई शुडंट से इट. एज यू कैन सी ही डजंट हैव एनी आईज. तो चलो मैं तुमको अपनी बालकनी दिखाती हूँ.
मेरे को ये व्यू काफी पसंद है, मेरे घर ना होता तो और अच्छा व्यू आता। और जैसे हर इंडियन हाउस होल्ड में बालकनी में हम अपना सारा कबाड़ा फेंक देते हैं, मैंने भी अपना कबाड़ा फेंक रखा है। ये मेरा बैंजेंट फैन है बेचारा। सो दिस वॉज अ ट्रेडिशनल जापानीज हाउस पीपल। मेरे को इंडियन घरों की काफी याद आती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो काफी बड़े होते हैं, पीछे पंखे की वाइट नॉइज रहती है और सीलिंग्स भी काफी बड़ी रहती है। जापान में अपार्टमेंट्स अनफर्निश्ड आते हैं, मतलब आपको सारा सामान खरीदना पड़ता है। जिससे याद आया कि आई विल बी मेकिंग अ वीडियो अबाउट हाउस हंटिंग इन जापान, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो एंड आई सी यू सून। बाय बाय।